बिहार में एक लड़के को अपनी जाति छुपाकर शादी करना महंगा पड़ गया। अभी शादी के 4 दिन ही हुए थे कि दुल्हन पक्ष को इस बात की जानकारी लग गई, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। साथ ही दूल्हे को गांव के अंदर नहीं आने की धमकी दी, जिसके बाद से युवक परेशान है। मामला नालंदा जिले के रहुई के शाहपुर गाँव का है। पीड़ित युवक पवन कुमार का कहना है कि दोनों में पूर्व से प्रेम प्रसंग था। इसके बाद दोनों परिवार के रजामंदी से 19 दिसंबर को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई। युवक का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जाति को छुपाया, जिसके कारण आज अपनी ही पत्नी को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। युवक का दावा है कि पत्नी उसके पास आना चाहती है, लेकिन आज कोई भी आदमी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पा रही है। 19 तारीख को सुबह में शादी किए थे 3 बजे। हाँ। हम यही निवेदन करना चाहते हो कि मेरी पत्नी को जबरदस्ती लेकर गया। हाँ। शादी किए थे, उसकी मम्मी मेरे गार्जियन को नहीं जानने के लिए दिया। हाँ। 4 दिन रखा बंधक बना करके। हाँ। उसके बाद उसके माता पिता के अनुसार शादी हुआ, उन लोगों ने अच्छे से विदा किया। उसके बाद जब 1 दिन के बाद पता चला कि हम दूसरे जाति के हैं, तब वो घर आया और चढ़कर जबरदस्ती किया और मेरी पत्नी को लेकर चला गया। तो क्या लग रहा है आपको, मार देगा, क्या लग रहा है आपको? हाँ, हम ये वो कॉल की थी, बात हुआ था, वो बोली कि हमको यहाँ से बचा के ले जाओ नहीं तो मार देगा घर वाला।